ज्वेलर्स का मालिक कई कस्टमरों का पैसा लेकर रफू चक्कर। पूरा मामला उन्नाव कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कल्याणी देवी सिविल लाइन उन्नाव का है, जहां पर अमरीश कुमार ने कल्याणी ज्वेलर्स के नाम से सुनार की दुकान कल्याणी में खोल रखी थी और वहीं पास में सुमन पांडे के यहाँ 5 साल से किराए पर रह रहा था। अमरीश कुमार सुनार जहां पर किराए का कमरा लेकर रह रहा था, वहीं से कुछ ही दूरी पर इसने अपनी सुनार की दुकान अमित चट्टा के पास गुड्डू शटरिंग वाले के यहाँ किराए पर दुकान लिया था। लेकिन अब अचानक से कई लोगों का पैसा लेकर रविवार को 6 बजे फरार हो गया और उसकी बहन नंदिनी, उसकी माँ और उसका भाई भी है। दुकानदार गुड्डू और मकान मालिक सुमन पांडे के यहाँ किराए पर रहता था। उसकी दुकान का नाम कल्याणी ज्वेलर्स है। उन्नाव में कई लोगों का लगभग 60 लाख रुपए की राशि को लेकर गायब हो चुका है, जिससे कई लोग परेशान होकर मदद के लिए उन्नाव कोतवाली पहुंचे। भैया क्या नाम है आपका? मनीष। ये बताइए, ये जो कोतवाली सदर उन्नाव आप आए हैं तो क्या मामला हो गया है? मामला ये है सर कि हमारे यहाँ मोहल्ले में कल्याणी ज्वेलर्स नाम की एक दुकान थी, उसने लोगों का पैसा जेवर सब लेके वो फरार हो गया, तो हम लोग उसी के लिए आए। अच्छा, तो ये मतलब कब का मामला है? ये करीबन हफ्ते भर के अंदर इसने सारा गबन कर लिया है और संडे को ये रात में फरार हो गया। अच्छा, तो लमसम कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 10-12 लोग यहाँ। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हैं? मैं कल्याणी के पास खड़ा हूँ। तो ये आपको जानकारी कैसे हुई? ये मैंने व्हाट्सएप पे देखा, एक मेरे पास फोटो आई थी कि ये बंदा फरार हो गया, तो मैंने मोहल्ले में तो मैंने लोगों से पूछताछ की तो पता चला ये घर छोड़ के भाग गया। कौन है वो? उसका ज्वेलर नाम क्या है? ये कल्याणी ज्वेलर्स के नाम। कल्याणी ज्वेलर। और जो है उनका नाम क्या है? उनका नाम अमरीश है। अमरीश। 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 तो इस समय वो क्या है, कहाँ पे हैं? सर कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इसीलिए तो हम लोग मतलब भाग गए। अच्छा, तो अभी यहाँ कोतवाली क्या करने आए आप? हम लोग यहाँ एप्लीकेशन देने आए कि सर हमारी सुनी जाए, हमारी जो भी परेशानी। एप्लीकेशन दे दिया? जी दे दिया। अच्छा, बताइए क्या समस्या है आपको? हमारी सोनार सामान लेके चला गया। अच्छा अच्छा, 1.5 लाख का सामान मेरा गया है। हाँ। और हम गया संडे वाले दिन भाग गया और हम शनिवार को गए थे, तो कह रहा था संडे को आके ले लेना, जब हम गए तो वहाँ ताला लगा। क्या नाम है सोनार का तुम्हारे? कमलेश। कमलेश। कब से चल रहा है सिस्टम आपका? कितने दिन हो गए? 5 साल से। तो ये जानकारी आप लोगों को कब मिली? हमको कल ही मिली है। कल? तो उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया? हम लोग कोतवाली आए। जानकारी कल मिली थी, कोतवाली आज आ पाई हो। एप्लीकेशन दे दिया? जी। नाम बताइए क्या आपका? नाम? राजा देवी। राजा जी, कहाँ रहती हैं आप? कल्याणी। कल्याणी देवी में? बगले में सर। अच्छा अच्छा, क्या मामला हुआ है? अमरीश जो है वो कल्याणी तो सबकी सब हमारा सामान करीब करीब 4 लाख का है। हमारे हस्बैंड बीमार थे, हम बीमार थे, हमने सामान कुछ घर दिया रहा है इलाज करवाने के लिए, और कुछ पैसा हमने जमा भी कर दिया, ब्याज भी जमा कर दिया, ये कह रहा है कि कितना पैसा आपने जमा किया था? अरे पैसा करीब है 22,000। हाँ, 22,000 करीब जमा किया था। कितने दिन पहले जमा किया था? करीब 1.5 महीने पहले, 1.5 महीना पहले। अच्छा, और ये कह रहा था ठीक है आकाश, हमारा पैसा कुछ मिलने वाला था, हस्बैंड पुलिस में थे, एक्सपायर हो गए हैं, और तो कहे हमका पैसा हमारा थोड़ा मिलने वाला है तो हम सामान उठा लेंगे। गलत, ठीक है आकाश उठा लेना। अच्छा, और ये आज भैया के जो पेपर व्हाट्सएप पर आया है तब सभी लोग देखेंगे, तभी ये सब छानबीन होने लगी, तब हम कहा चलो ये FIR करो, सारे लोग के सामान है। अच्छा, तो वो जो सुनार है वो तो शायद है नहीं, तो भाग गए कहीं? भाग गए। अच्छा, और सर जिसके सुमन पांडे के मकान में था, रहता था। अच्छा, किराए पे रहते थे ये? किराए पे रहता था, और वो वही बेड वेड वही पड़े हैं, आने वाली सामान लेगा जो इतना उसके पास खुद ही तो पैसा हो गया तो सब लेके फरार हो गए। अच्छा, वो किराए पे रहता था? किराए पे सुमन पांडे। और इसकी इसकी जो बुआ की लड़की है तो वो नंदिनी, और नंदिनी का भाई है जो ये बिजली वाली दुकान है हरदोई रोड के, वही नीचे बिजली वाली जो सब्जी वाली दुकान है उसी के बगल में। अच्छा, मतलब उससे हमने कहा, हमारी बिटिया गई, कहला कि उसको फोन नंबर दीजिए, उसका एड्रेस बताइए, तो वो लड़ने लगा। अच्छा अच्छा, वो मारने लगा, मारे तो।